इस वीडियो में जो है एक मैथ का सवाल करने वाले हैं जो बेसिकली फंक्शन चैप्टर का है। तो क्वेश्चन क्या है पहले समझिएगा। कंसीडर फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन जो है एफ एक्स जब एक्स का वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, -1 और 0 के बीच में, तो ए वाला होगा फंक्शन। जबकि जब एक्स का वैल्यू जो है 0 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, तो बेसिकली 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन ए वाला होगा, और एक्स का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो फंक्शन ए वाला होगा। उसी तरह एक और फंक्शन जी है, इस तरह से है कि जी के अंदर कोई इनपुट डाल रहे हैं एफ एक्स, तो बन रहा है एक्स, और इसका रेंज जो है एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा के लिए। और उसी तरह एफ के अंदर कोई जी एक्स जो है फंक्शन, एफ के अंदर कोई इनपुट डाल रहे हैं जी एक्स, तो बन रहा है एक्स। तो आपको ये देख के नजर लग क्या होगा कि जी के अंदर जो डाल रहे हैं तो जनरेट कर रहा है एक्स, और एफ के अंदर जो है वो इनपुट डाल रहे तो जनरेट कर रहा है एक्स। मतलब ये दोनों जो है एक क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। जी और एफ एक्स जो है आपस में, जी और एफ एक्स इनवर्स फंक्शन है। मतलब एफ एक्स जो है जी का इनवर्स फंक्शन है और जी एक्स जो है एफ का इनवर्स फंक्शन है, इसका मतलब ये है। ठीक है, जैसे अगर हम आपको दिखाई दें तो लिखा हुआ है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर जी के अंदर कोई इनपुट डाल रहे हैं एक्स जनरेट हो रहा है, तो जरूर जो है एफ एक्स को क्या होना चाहिए, जी इनवर्स एक्स होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह ए भी दिया हुआ है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरह दिया हुआ है कि एफ के अंदर जो जी एक्स डाल रहे हैं तो वो भी एक्स जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कि एफ के अंदर जो भी इनपुट हम डाल रहे हैं तो ये जी एक्स का जो है क्या होना चाहिए, एक इनवर्स होना चाहिए एक्स का। ठीक है, इस तरह से तो हम अगर एफ एक्स का अगर ग्राफ बना ले तो जी एक्स का ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग क्या होगा, एक मिरर इमेज होगा। तो बेसिकली हम एफ एक्स का ग्राफ बनाने वाले हैं, और जी एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ एक्स का मिरर इमेज ले लेंगे वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट। तो बेसिकली हम एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे समझिए, एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो एक बात बताइए कि सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू है क्या, एफ एक्स का वैल्यू है √1 − x²। कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। तो एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा और -1 से बड़ा या बराबर हो। और फिर है x²+1, जब एक्स का वैल्यू जो है वो क्या हो, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, बराबर हो। तो 1 से छोटा बना लिया, 0 या 0 से बड़ा है बराबर बना लिया। और एक और है लास्ट इसमें फंक्शन में, x − 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2। तो x − 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, जहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तब है। तो हमको जो है बताना है कि फंक्शन इसका रेंज क्या होगा, और ये जो फंक्शन है वाई इक्वल टू इतना, इसका डोमेन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है पहले हम ग्राफिकली समझाएंगे, ठीक है ना, ग्राफ से ही सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए कि ये फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिस √1 − x²। तो अगर ए वाला फंक्शन लिखा हुआ है तो ये है क्या एक्चुअल में, तो वाई बराबर √1 − x² है, स्क्वायर कीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 − x², तो x² + y² = 1। ये आपको पता होगा, इक्वेशन है सर्कल का, x² + y² = 1, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 और सेंटर 0,0। तो बेसिकली ये जो है ग्राफ सर्कल का है, मतलब ये जो है सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है। और कब ये बनाना है, जब x का वैल्यू 0 और -1 के बीच में लाई करे, मतलब -1 और 0 के बीच में लाई करे तब। तो सर्कल का ग्राफ तो बनता है ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में इस तरह से, लेकिन हमको तो सिर्फ 0 और सॉरी -1 और 0 के बीच वाला ही ग्राफ बनाना है, ए वाला ही पोर्शन बनाना है, ए वाला पोर्शन नहीं बनाना। ठीक है, उसी तरह अगला जो है ये क्या है, अगला है x²+1। तो x² का ग्राफ तो बहुत आसान होता है, x² का ग्राफ ए वाला होता है, लेकिन x²+1 को 1 यूनिट क्या कर देंगे, ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट ऊपर एक्सटेंड कर देंगे, दिस इज x²+1, दिस इज x². और अगला क्या है, x − 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2। तो ये देखिए x − 1 का होल स्क्वायर, तो अगर y बराबर लिखा हो, y बराबर x − 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2, तो बेसिकली क्या लिखा है, y − 2 = x − 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये y इक्वल टू समथिंग, एक पैराबोला का इक्वेशन लिखा हुआ है जिसका सेंटर जो है वो कितना है, 1,2 पर है सेंटर।
तो ये भी पैराबोला का इक्वेशन लिखा हुआ है जिसका सेंटर 1.2 पर है, तो सेंटर है 1.2 पे और ग्राफ समथिंग लाइक दिस, इस तरह से। अगर पूछे किस पॉइंट पे टच करेगा तो 2 पे टच करेगा, क्योंकि x0 डाल देंगे, जैसे ही x0 डालेंगे तो आएगा 2। ठीक है, समझ गया ना, क्लियर हुआ ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये चीज जो तुम बता दिए वाला, लेकिन ये ग्राफ बनेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा को ग्राफ बनाने वाले हैं, और इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू 1 से बड़ा के लिए बनाना है, तो पूरा से बड़ा के लिए बनाते हैं अगर ग्राफ हम, तो देखिए ध्यान से पूरा फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, एफएक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो एफएक्स का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, एफएक्स का ग्राफ अगर बनाएंगे हम, तो ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब जो है हमको पहले उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, जो सर्कल वाला पार्ट था उसका। तो सर्कल वाला पार्ट का तो पूरा नहीं बनाएंगे हम, किसका बनाएंगे, -1 से लेके 0 तक ही बनाना है, इस तरह से, इस तरह का बनाना है, दिस इज 0.1। अब जो है इसके बाद, 1 के बाद किसको ग्राफ बनाना है, इसके बाद बनाना है x2+1, जिसका वैल्यू 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 होगा, 1, तो 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। x2+1 का ग्राफ कैसा था, ऐसा था, इस तरह से। ठीक है, अब 1 का वैल्यू 1 पे पूछे तो कितना होगा, 1 पे जो है वैल्यू पूछे उसका तो कितना होगा, 1+1 2, मतलब y का वैल्यू आएगा 2, ये वाला। ठीक है, और फिर 1 से बड़ा के लिए ग्राफ बनाना है इसका, इसका तो इसका ग्राफ क्या होगा, जिसका सेंटर 1.2 है, तो जिसका सेंटर 1.2 है, तो सेंटर कहाँ पे है 1.2, यहाँ से, तो वर्टेक्स यहाँ पर होगा, और ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। लेकिन 1 से बड़ा के लिए बनाना है, तो इसलिए ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बना लिया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा ग्राफ, किसका, एफएक्स का। ठीक है, और 1 से बड़ा के लिए बनाना है, समझ गया ना, 1 से बड़ा के लिए, ये हमको पता चल गया, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि ये जो लाइन है हमारा, ये वाला ये क्या है हमारा, y इक्वल टू x है। अब इसको जो थोड़ा सा हम टच करके पास कर रहे हैं, टच करके क्यों पास कर रहे हैं अभी समझा रहे हैं। देखिए उसका हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, किसका, ये जो आया है हमारा ये वाला, इसका स्लोप हमको देखते हैं कि ये टच पर टच करके पास होगा कि नहीं। तो y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4+2, तो y डैश कितना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 x-1 4, इसका 0। और इसको हम 1 x = 1 पे जो है स्लोप 1 पर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, कि इसका वैल्यू जो है 1 कितना के बराबर होगा। ठीक है, समझ गया ना, ए वाला जो है 1 से तो पास होगा ही, y इक्वल टू एक्स, तो अगर y इक्वल टू एक्स 1 से पास होगा यहाँ पे, तो बेसिकली हम 1 पे निकालना चाहते हैं, तो 1 पे अगर हम यहाँ पे रखेंगे 1, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4, और 2 6, x का वैल्यू 3 आएगा। जब x का वैल्यू 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2 2 4, 1 आएगा 3, y का वैल्यू भी 3 आ गया। मतलब हमको पता चल गया कि x अगर 3 है, y भी 3 है, तो जरूर जो है एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पर जो 3.3 से क्या कर रहा होगा, पास। ठीक है, 3.3 से पास कर रहा होगा, दिस इज 3.3। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये कहाँ से पास कर रहा है, एक ग्राफ किसका बना है, fx का ग्राफ है। तो अगर हम gx का ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो gx जो है वो fx का क्या है, मिरर इमेज है। तो अगर gx fx का मिरर इमेज है, तो क्या होगा कि इसका कोऑर्डिनेट है -1.0, इसका हमको मिरर इमेज लेना है y इक्वल टू x लाइन के बाहर। तो इसका अगर हम मिरर इमेज लेना चाहते हैं, तो बनेगा कैसा ग्राफ, समझिएगा, समझिए ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए -0, -1.0 का मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा यहाँ पर कितना, इसके अबाउट 0.-1,
ठीक है, उसी तरह 0,1 का मिरर इमेज क्या होगा, 1,0, मतलब ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्स हो गया और यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड है तो कॉन्वेक्स अपवर्ड बनेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कि एक और पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शन पे वन पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अगर इस पे 2 डालने पे कितना आना चाहिए, 2 डालने पे 1 आना चाहिए, 2 डालने पे क्या आना चाहिए, 1, 2 डालने पे 1 आना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। ये देखो इसका हमको मिरर इमेज निकल गया, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। देखिए कि यहाँ पर 1 डालने पे क्या आया, 2 आया, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, 2 डालने पे 1 आना चाहिए, तो उल्टा है, 2 डालने पे क्या आया, 1 आया, देखिए 2 डालने पे 1 आया, ठीक है, यहाँ से पास आया, ठीक है। और उसके बाद उल्टा लेना है तो ये तो इससे पास ही होना चाहिए क्योंकि मिरर इमेज है तो 3,3 है तो उससे जरूर पास होगा वो, तो इस तरह से जो है थोड़ा सा हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ किसका बन गया हमारा, जी एक्स का, ठीक है। चलिए तो हम एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ जो है ड्रॉ कर लिए, अब हमको बताना है कि फंक्शन इसका रेंज कितना होगा, तो बना देंगे आराम से, समझिए फंक्शन जो है लिखा हुआ है कितना, वाई इक्वल टू जी ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर देखिए ध्यान से कि y का अगर हमको रेंज पे कमेंट करना है, रेंज पे, तो पहले हम देखेंगे कि जी एक्स का डोमेन क्या है, अंदर से स्टार्ट करेंगे, तो जी एक्स का डोमेन क्या है, जी एक्स जो है उसका वैल्यू कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, देखिए ध्यान से जी एक्स का, सॉरी रेंज क्या है, रेंज जी एक्स का रेंज है माइनस इन्फिनिटी से, ये वाला जी एक्स का ग्राफ है ब्लू कलर वाला, तो इसका ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, मतलब -1 से इन्फिनिटी, तो जी एक्स के अंदर जो इनपुट है वो -1 से क्या है, इन्फिनिटी में। अब एफ के अंदर वो इनपुट मिला -1 टू इन्फिनिटी, एफ के अंदर अगर इनपुट मिला -1 टू इन्फिनिटी तो वो क्या जनरेट करेगा, एफ के अंदर जो है इनपुट मिलेगा -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी, तो इस जो है 0 -1 से इन्फिनिटी तक अगर कोई इनपुट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो रेंज क्या जनरेट करेगा, 0 टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर इसका जो आ रहा है वैल्यू पूरा वो आ रहा है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट होगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट, क्लियर हुआ ना, जी एक्स के जो रेंज है वो माइनस से लेके इन्फिनिटी तक है, तो उसको मिला, तो एफ एक्स को मिला -1 टू इन्फिनिटी, -1 टू इन्फिनिटी मिला तो रेंज क्या होगा एफ एक्स का, 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी जनरेट किया। अब एफ को मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, एफ को मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, तो ध्यान से देखिए कि अब फंक्शन एफ एक्स को मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, अब 0 से इन्फिनिटी तक मिलेगा तो रेंज क्या जनरेट करेगा, 1 टू इन्फिनिटी, तो ए वाला जो है जनरेट कर रहा है कितना, 1 टू इन्फिनिटी पूरा, ये जनरेट कर रहा है 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा ओपन ब्रैकेट होगा। फिर देखिए ध्यान से कि f को मिल रहा है 1 टू इन्फिनिटी इनपुट, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी माने यहां से यहां तक, तो y जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ऊपर तक, तो 2 टू इन्फिनिटी हमको मिल रहा है f को, तो ये पूरा काम को पता चल गया वैल्यू कितना, 2 टू इन्फिनिटी, तो बेसिकली रेंज हो गया हमारा किसका, 2 टू इन्फिनिटी, क्लियर हुआ ना, तो रेंज ऑफ फंक्शन दिस इज 2 टू इन्फिनिटी, डी करेक्ट है, क्लियर हुआ। उसी तरह अगर मान लीजिए कि इसका हमको पूछ रहा है डोमेन ऑफ दिस, तो डोमेन जो है इसका निकालना है, तो डोमेन क्या है हमारा, डोमेन है हमारा फंक्शन y इक्वल टू जी ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो बेसिकली हम डोमेन निकालने के लिए जो है शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू है सेटिस्फाई तो होना चाहिए, ठीक है ना, तो ए जो है जी के अंदर जो दिया हुआ है इनपुट कहाँ से कहाँ तक है, ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन जो है जी एक्स का वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डाल सकते हैं, तो जी एक्स के अंदर जो रेंज है वो क्या है, -∞ टू 0, तो जी एक्स का ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है ये -∞ टू 0 है, ए वाला जी ऑफ एफ एक्स जो है बेसिकली लाई कर रहा है
माइनस वन टू इन्फिनिटी यहाँ पे ब्रोकन, ओके इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए कि अगर ए वाला जो है लाई कर रहा है माइनस वन टू इन्फिनिटी, तो जी के अंदर जो है इसको माइनस वन से इन्फिनिटी तक लाई करने के लिए जी के अंदर जो है इसके अंदर ई कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए। तो माइनस वन से इन्फिनिटी तक लाई करने के लिए जो है जी को लाई करना चाहिए कितना, जी को लाई करना चाहिए जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, समझ आ रहा ना, जीरो टू इन्फिनिटी उसके अंदर जो है माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए जी को कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, उसका डोमेन होना चाहिए जीरो से इन्फिनिटी। तो ए वाला टर्म आया मेरे पास कितना, जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब जी ऑफ एफ एक्स जो है लाई करना चाहिए कितना, जीरो टू इन्फिनिटी। अब जी के अंदर जो है एफ एक्स वो कहां से कहां तक लाई करेगा ताकि जीरो से पूरा जी ऑफ एफ एक्स जीरो टू इन्फिनिटी लाई करे, तो जी के अंदर जो एफ एक्स है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए ताकि जी ऑफ एफ एक्स जो है जीरो से इन्फिनिटी लाई करे, तो एफ एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि एफ एक्स जो है उसका ग्राफ, एफ एक्स का ग्राफ वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, तो जीरो से इन्फिनिटी मिले, तो जीरो से बड़ा जो है मिलने के लिए हमको ग्राफ को जो है लाई करना चाहिए कहां से, वन टू इन्फिनिटी, कहां से कहां तक, वन टू इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है ना, वन टू इन्फिनिटी लाई करेगा तभी तो जी एक्स का वैल्यू जो है वन टू इन्फिनिटी मिलेगा हमको, तो जरूर जो है इसका वैल्यू लाई करना चाहिए वन टू इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू जो है एफ एक्स का वैल्यू लाई करना चाहिए कहा, एफ एक्स का वैल्यू लाई करना चाहिए वन टू इन्फिनिटी। अब बताइए कि एफ एक्स का वैल्यू वन टू इन्फिनिटी लाई करना चाहिए तो एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, एफ एक्स का वैल्यू वन टू इन्फिनिटी लाई करना चाहिए तो एक्स कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, तो एफ एक्स का वैल्यू जो है वन टू इन्फिनिटी मैंने यहां से यहां तक लाई कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू जो है बेसिकली यहां से स्टार्ट हो रहा है वन से इन्फिनिटी लाई करना चाहिए, तो बेसिकली हमको एक्स का वैल्यू पता चल गया इन्फिनिटी, सॉरी कितना, वन टू इन्फिनिटी, तो हमको डोमेन पता चल गया वन टू इन्फिनिटी। तो ये था मेरा सवाल जो हमारा आंसर सी होगा, क्लियर हुआ। तो हम इस चीज को हम ग्राफिकली जो है सॉल्व कर दिए, चलिए ऑल द बेस्ट।